नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आज हम बात करेंगे सरकारी योजनाओं की। सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ युवाओं को कितना मिलता है, लोगों को कितना मिलता है, इसको लेकर के भागलपुर में जो योजना घर चलाते हैं, एक संस्था चलाते हैं, उनके डायरेक्टर हमारे साथ है। हम उनसे सीधा बातचीत करते हैं कि सर, आप बताइए कि जो सरकार योजनाएं चलाती है, उनका लाभ किन लोगों को मिलता है और इसका क्या उद्देश्य है? योजना घर हम लोगों ने इस उद्देश्य के साथ स्थापित किया है कि सरकारी जो योजनाएं हैं, खासकर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, वो लोगों तक पहुंचे। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जानकारी की कमी की वजह से वो योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता। हालांकि सरकार हर फील्ड के लिए, हर क्षेत्र के लिए योजना बनाती है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे वो फार्मिंग फील्ड हो, किसानों के लिए हो। लेकिन जानकारी की एक बहुत बड़ी कारण, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग जागरूक नहीं है, जिसके कारण हम लोग बहुत सी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने, पूरी टीम ने मिल के योजना घर का स्थापना किया। कैसे ख्याल आया सर ये योजना घर आपको चलाने का? हम लोग भागलपुर में रहते हैं और यहाँ पे जब अक्सर हम लोग कोई भी समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों से मिलते हैं या ऐसे संस्थाओं से मिलते हैं, और जब हम लोगों को मौका लगता है कि जब हम लोग कोई ऐसी बस्तियों में जाते हैं या कोई ऐसे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, तो ऐसा कहीं ना कहीं एहसास होता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो जब योजनाएं सरकार सब चीज़ों के लिए बना ही रही है, सब चीज़ों के लिए पैसे आवंटित हैं, सब चीज़ों के लिए नीतियां आवंटित हैं, तो क्यों ना एक छोटी सी कोशिश हम लोगों की भी है कि अगर उसका लाभ पूरी तरह से उन लोगों को मिल पाए। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने ये ख्याल आया कि क्यों ना इसकी एक कोशिश की जाए छोटी सी। इस जो आपकी जो संस्था है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग जितना हो सके उस वर्ग को योजना का लाभ दे सके, जहाँ तक, जहाँ पे ये वर्ग को, जिस वर्ग को ये लाभ नहीं मिल पाता है और वो इसके योग्य है, योग्य होने के बावजूद भी। ऐसा अक्सर देखा गया, हमने देखा कि कई लोगों के पास, उनको योजना की अगर जानकारी है तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। डॉक्यूमेंट्स अगर उनको मालूम है कि इस योजना के लिए हमको कौन से डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज बनाने हैं, तो कहाँ बनेंगे इस बात की जानकारी नहीं है। और अगर दस्तावेज है तो दस्तावेज अगर है तो दस्तावेज सही है कि नहीं, इस बात की जानकारी नहीं है। तो इस सब चीज़ों का एक, अगर आप मिश्रण करोगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये भी आपका एक जिम्मेदारी है कि सरकार जिस तरह से आप चुनते हैं, उस तरह से आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि सरकार जो योजनाएं बनाती है वो भी आम जनता तक पहुँचे। तो सरकार योजनाएं बना देती हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। इसमें कहीं ना कहीं सरकारी स्तर पर लगता है कि इसका जो प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं हुआ। इसे आप कैसे देखते हैं? सरकार काम करती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार काम नहीं करती है, सरकार हर क्षेत्र के लिए योजना बनाती है। लेकिन क्या होता है कि एक तो कारण ये है कि आप एक बार में, आप एक ऐसे देश और ऐसे राज्य में रहते हैं जो पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे है पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस बात को तय मान के चलिए कि आप एक बार में हर किसी के वो योजनाएं नहीं पहुंचा सकते। तो सरकार जब योजनाएं बनाती है तो, और जब उसको वो लागू करती है तो इस उद्देश्य के साथ करती है, उसको कैटेगराइज करती है कि हम पहले 1 लाख लोगों को इस योजना का लाभ देंगे। अब अगर आपके राज्य, आपके शहर में या आपके बस्ती में आपकी आबादी अगर 10 लाख है, तो ये बात तो तय है कि आप 1 साल में 1 लाख तक पहुंचना चाहते हैं। तो 1 लाख में तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो ऐसा लोगों को अक्सर लगता है कि सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाती है, और कुछ कारण ये भी है कि हम जागरूक नहीं है, तो इसका फायदा कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं वो उठाते हैं। तो ये मिला जुला मिश्रण है, इसमें अगर हम जागरूक होंगे तो हमको लगता है कि सरकार और बेहतर ही काम करेगी। मानव जी, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी यह जानना चाहेंगे कि इस योजना घर को आप भागलपुर में कब से चला रहे हैं और अब तक आपकी क्या उपलब्धि रही? योजना घर हम लोगों ने पिछले हम लोग इस पर काम तो पिछले साल भर से कर रहे हैं, और इससे रिलेटेड हमने कई बार यहाँ के हमारे जिला पदाधिकारी श्री प्रणव कुमार जी से भी मुलाकात की। और ये हमारा सौभाग्य है, हमारी पूरी टीम का सौभाग्य है कि हम लोगों को उनका सहयोग मिला, उनका साथ मिला। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने हमारे
शहर के जो सरकारी संस्था है, सरकारी महाविद्यालय, शारदा झुंझुनवाला महिला महाविद्यालय, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने एक केंद्र सरकार द्वारा जो 1 रुपए में सैनिटरी पैड दिया जाता है, स्वच्छ महिला समृद्ध महिला के नाम से हमने कार्यक्रम भी किया। फिर उसमें हमने जल जीवन हरियाली अभियान के नाम से भी कार्यक्रम किया, जिसमें हमारे इस कार्यक्रम में हमारे शहर के SDO साहब श्री आशीष नारायण जी उपस्थित थे, हमारे शहर के जिला अधिकारी श्री प्रणव कुमार जी उपस्थित थे, हमारे शहर की प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट श्री रोमा यादव जी भी उपस्थित थी। और आने वाले समय में इसी तरह से हम लोगों ने कई कार्यक्रम लाइनअप कर रखे हैं, जिस तरह से अभी हम 9 तारीख को भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक छोटी सी बस्ती में वहाँ के लोगों के लिए राशन कार्ड बनवाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे सैनिटरी पैड का अवेयरनेस करेंगे, वहाँ पे हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुछ पेड़ लगाएंगे। और इस बार हम लोग को सोच रहे हैं कि हम लोग इस बार डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से भी बात करेंगे कि ऐसी बस्तियों को वो गोद लें, ताकि हम लोगों को ये मौका दें कि हम लोग उस बस्ती को डेवलप कर सकें। शारदा झुंझुनवाला महाविद्यालय में जो कार्यक्रम हुआ उसका क्या फीडबैक रहा? उसका फीडबैक हम लोगों को बहुत शानदार मिला। वहाँ पे करीब करीब उस कार्यक्रम में 400 लड़कियाँ थी जो विद्यालय की थी, उसके अलावा वहाँ की शिक्षिकाएं, शिक्षक सभी लोग थे, और सभी लोगों ने खुल के ये कहा कि बात सही है कि एक ये ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा है, कोई खुल के बात नहीं करता है। लेकिन उसके बाद हम लोगों के पास काफ़ी सारे ऐसे कॉल आए या हम लोगों से संपर्क किया गया कि हम लोगों को भी सैनिटरी पैड चाहिए, तो हम लोगों ने उसके अलावा भी, वहाँ पे तो 2000 पीस का हमने वितरण किया ही था, उसके अलावा भी हम लोगों को करीब करीब 375 पीस हम लोगों ने अभी ऑन द बेसिस ऑफ कॉल और उसके हिसाब से हम लोगों ने अभी भिजवाए हैं। सर, अभी आप योजना घर पर काम कर रहे हैं, ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि आप जो है तो राजनीति के क्षेत्र में, भागलपुर की जो राजनीति है उसमें कदम रखना चाहते हैं, हम क्या है लगता है आपको? देखिए, हमने राजनीति के उद्देश्य से तो इसको नहीं चालू किया है, पर अगर इससे किसी का भला हो तो इसमें बुरा भी क्या है। तो क्या माना जाए कि आप जो है तो शहर की राजनीति में इस योजना घर को जो लेकर के आए हैं, इसके माध्यम से धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं? आप अगर ये सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। मैं अभी इस कोई भी ऐसा मैंने उद्देश्य नहीं है मेरा, ऐसा मैंने कोई ऐसा सोचा नहीं है, और आगे का मैं इतना अभी तय नहीं किया मैंने कुछ। हाँ, हालांकि आज के हिसाब से जो जरूरी है वो ये है कि सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचेगा तो लोगों का लाभ जरूर होगा, और आगे क्या होगा इस बात का तय हम अभी कैसे। पिछले दिनों हम लोग देख रहे थे कि आप जो शहर की अव्यवस्था है, कुछ मुद्दे हैं उसको आप उठा रहे थे, कुछ कार्य में, कार्यशैली में सुधार करने की जरूरत है, आपको अपने काम को सिस्टमाइज करने की जरूरत है। और ये बात सही है कि लोग हर जगह इधर उधर कूड़ा गिरे रहने से परेशान हैं, तो उम्मीद करते हैं कि नगर निगम काम करे। और ऐसी बहुत सारी मुद्दा है, जैसे जाम की समस्या हमारे शहर में, भोलानाथ पुल की समस्या हमारे शहर में, जैन मंदिर के पास नाला है उसकी समस्या है हमारे शहर में, पार्किंग लॉट नहीं है, ऑटो स्टैंड की व्यवस्था नहीं है, आप कैमरे की तरीके से व्यवस्था नहीं है, अंडरग्राउंड वायरिंग की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर नाले नहीं बने हुए हैं, जिस कारण से जाम, पानी का जाम लग जाता है थोड़ा सा बारिश होती है, तो बहुत सारे मुद्दे। इन सवालों से थोड़ा फिर हम आपके मुद्दे पर आते हैं कि बहुत सारे लोग भागलपुर समेत प्रदेश स्तर पर जो लोग हैं उनको योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है, तो आपकी संस्था इसके लिए आगे क्या करने जा रही है? इस तरह से जैसा भी हमने आपको बताया कि हमारा एक कार्यक्रम अभी 9 तारीख को है, इसी तरह से हम लोग और भी दूसरे शहरों में कॉलेजेस और स्कूल्स में बात कर रहे हैं, जिनसे बातचीत चल रही है, हमारी टीम बातचीत कर रही है। अभी हम लोगों ने पटना में भी एक टीम से बात की है और उनसे हमारी मुलाकात है 7 तारीख को, और फिर कुछ प्लान करेंगे। और अभी हम लोग SM कॉलेज में भी एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और इसी तरह से पूरे साल का हम लोगों ने तय किया है कि जगह जगह जा कर के छोटी छोटी बस्तियों में, छोटे छोटे विद्यालय में हम लोग एक योजना, जो जैसे अभी मैं आपको एक योजना का नाम बताता हूँ, जैसे एक योजना है किसान अनुदान योजना, तो अब ये शहर के लिए तो है नहीं, तो अब हम इसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें बस्ती में जाना पड़ेगा। अब जैसे कन्या उत्थान योजना है, अब ये कन्याओं के लिए है, तो
तो इसके लिए हम यहाँ की जो महाविद्यालय है, जो महिला महाविद्यालय है, या जो ऐसे विद्यालय जहाँ पे महाविद्यालय जहाँ दोनों पढ़ते हो, तो हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ जागरूक करेंगे। आप जो ये योजना चला रहे हैं, जो संस्था के योजना घर के माध्यम से जो आप कार्यक्रम चला रहे हैं, प्रशासन का उसमें कितना सहयोग मिल रहा है? हम आपको मेरे को आपको बताने में बहुत खुशी है इस बात की, हम लोगों को प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है, और प्रणव कुमार जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि अगर आपके तरफ से कोई भी व्यक्ति योजना का लाभ लेना चाहता है और वो इस योजना का अगर योग्य है, और अगर आप इस तरह से किसी भी लेके आते हैं, तो हम अपनी तरफ से आपको पूरा सहयोग करेंगे ताकि उसको उस योजना का लाभ मिले। और हम एक सर्विस और प्रोवाइड कर रहे हैं कि सिर्फ योजना का अवेयरनेस नहीं कर रहे हैं, योजना के लाभ लेने के लिए जैसे जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपके वो डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवा दें और रेडी करवाएं ताकि आप उसका लाभ ले सकें। अब भी बहुत सारे लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो कितने दिनों में वो आप उपलब्ध करा सकते हैं उन लोगों को? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कितने दिन में, जो सिस्टम है उसी तरीके से उपलब्ध होगा। अभी जैसे केंद्र सरकार हर जगह CSC खोल रखी है, जिसको कहते हैं कंज्यूमर सर्विस सेंटर, जिसमें ये कहा जाता है, जिसका उद्देश्य ये है कि अगर आपको पैन कार्ड बनवाना है तो आप जाके वहाँ पे जाइए, आप वहाँ बनवा लीजिए। अब जिनको जानकारी नहीं है, और अगर आपको हमारे बारे में जानकारी मिलती है, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपका पैन कार्ड किसी CSC केंद्र से बनवा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी हम लोगों के पास करीब करीब अराउंड 28 लोग अभी रिसेंटली इस मंथ में आए हैं, जिनको किसी योजना का, पर्टिकुलर योजना का लाभ लेना था, तो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो आज हमने उनका स्क्रूटनी किया और हमने देखा कि ये इसके योग्य है कि नहीं है, या उनके डॉक्यूमेंट्स गलत है, तो अब हम उनका डॉक्यूमेंट्स उनको बनवा के देंगे ताकि वो उस योजना का लाभ ले सके। तो ये थे मानव केजरीवाल जी, जो योजना घर से जुड़े हैं। ये बता रहे थे कि किस तरीके से लोग सरकारी योजनाओं की जानकारी दे सकते हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर।